भाजपा प्रवक्ता वंदना पोपली का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, वंदना पोपली द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र और प्रदेश में पूरे 10 वर्ष कांग्रेस सरकार थी। इन 10 वर्षों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच में कभी नहीं बनी, क्योंकि कैप्टन मलाईदार मंत्रालय चाहते थे। कैप्टन अजय सिंह यादव का कनेक्शन इन पूरे 10 वर्षों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टूटा रहा, जिसकी वजह से वो क्षेत्र का विकास नहीं करा सके, लेकिन उन्होंने इन 10 वर्षों के दौरान अपना पारिवारिक विकास जरूर कराया। वंदना पोपली ने कहा कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। उसी तरह 10 वर्षों तक कैप्टन अजय सिंह यादव की हुड्डा सरकार में नहीं चली और अब वो ये सोच रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं या मंत्रियों की सरकार में नहीं चल रही, उनकी नहीं चलती थी, उसी को लेकर कैप्टन अब ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरों की भी नहीं चलेगी। लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है। वंदना पोपली ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर अब तक एक रुपए का भी दाग नहीं है, वो हमेशा जनता के बीच रहकर लोगों की सेवा करते हैं। 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो पूरे 10 साल तक हम कैप्टन अजय यादव से एक ही बात सुनते रहे कि मेरी नहीं चलती है, मेरी हुड्डा साहब नहीं सुनते हैं। तो जिनका कनेक्शन पूरे 10 साल तक कटा रहा हो उनको तारे ही कटती दिखाई देंगे और कुछ नहीं होगा। ये सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, वो वाली बात है कि खुद पे जो बीत रही है उसलिए ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसे होगा।